हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। और दिल के रिश्ते की बातें आपने बहुत सुनी होंगी, पर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपके दिल पर पड़ती हैं भारी, यही आज आप जानेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसी गलतियों पर जो आपके दिल के लिए हैं बहुत ही नुकसानदायक। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आपके दिल पर भारी पड़ने वाली जो सबसे पहली गलती है वो है ब्रेकफास्ट को छोड़ना। ज्यादातर लोग मोटापे के डर से ब्रेकफास्ट नहीं करते। सच यह है कि ब्रेकफास्ट करने वाले ना करने वालों की तुलना में पतले होते हैं। नाश्ते में किसी भी रूप में प्रोटीन, दही और बेरी, ग्रिल की हुई मछली, एक ऑमलेट या सूखा मेवा खाने वाले लोग ज्यादा पतले होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं दूसरी गलती की, वो है वीकेंड पर ट्रीट। माना जाता है कि पूरे हफ्ते हेल्दी खाना खाने के बाद वीकेंड पर खुद को ट्रीट देनी चाहिए, इससे आपका मोटापा बढ़ सकता है। वीकेंड पर खुद को ट्रीट देने के लिए सप्ताह के बाकी दिन अतिरिक्त एक्सरसाइज करेंगे। वीकेंड पर एक साथ ज्यादा फैटी चीजें खाने से आपकी पूरे हफ्ते की मेहनत खराब हो जाती है। इसके अलावा तीसरी गलती है कि अरे ये तो हेल्दी है, लोग यह कहते हुए ज्यादा खा लेते हैं कि ये चीज हेल्दी है। यह सोच आपके फिटनेस रिजीम को फेल कर सकती है। मसलन पिस्ता या मूंगफली हेल्दी हैं, लेकिन इनमें कैलोरी ज्यादा होती है। ऐसे में जिन्हें ओवर ईटिंग की आदत है उन्हें ये पतला नहीं होने देंगी। चौथी गलती है टीवी के सामने खाना। ज्यादातर लोग टीवी के सामने बैठकर खाना खाते हैं, यह बिल्कुल ही अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि इससे ध्यान बढ़ता है और व्यक्ति को यह क्लू ही नहीं मिल पाता कि कब उसने खाने का कोटा पूरा कर लिया है। यह एक ऐसी आदत है जो आपके दिल पर बहुत ही भारी पड़ती है। स्टडीज बताती हैं कि टीवी देखते हुए लोग अपनी नॉर्मल डाइट से 30% ज्यादा भोजन कर लेते हैं। इसके बाद नंबर आता है पांचवी आदत का कि डिनर सबसे खास होना चाहिए। भारतीय घरों में डिनर सबसे बड़ा मील होता है। करना यह चाहिए कि दोपहर में हल्का फुल्का खाना लें और रात में सोने से 2 घंटे पहले लो कैलोरी वाली डाइट लें, जैसे सब्जियां, फ्रूट सलाद, दूध या जूस। नंबर 6 की गलती है डिनर के बाद फौरन सो जाना। सोने से ठीक पहले खाना खाना सेहत के लिए खतरनाक है। ऐसा करने वालों के शरीर में कैलोरी बर्न नहीं हो पाती, जिसे बॉडी लॉक कहते हैं। ऐसे में मोटापा तेजी से बढ़ता है, रात में शरीर आराम में आ जाता है और कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। नंबर 7 पर है ईटिंग फैमिली स्टाइल। आमतौर पर लोग डाइनिंग टेबल पर बड़े सर्विंग बाउल में खाना सर्व करते हैं और लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से प्लेट में लेते हैं। इसके बजाय परंपरागत फैमिली स्टाइल डिनर परोसना बेहतर होता है, जिसमें सबकी प्लेट में नियंत्रित मात्रा में सारी चीजें परोस दी जाती हैं। और अगर आप भूख के ब्रेन कनेक्शन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे फैट टू फिट सीरीज के पिछले वीडियो से भी आप मदद ले सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नंबर 8 की गलती है टेबल पर नमक रखना। मोटापा बढ़ाने में नमक की भी भूमिका होती है। टेबल पर नमक रखने की आदत आपके डाइट रिजीम को प्रभावित कर सकती है। नमक हाई ब्लड प्रेशर और खाने के स्वाद की वजह बनता है। इससे बचने के लिए नमक को खाने की टेबल से दूर रखें। और 9वीं गलती जो आप करते हैं अक्सर, वो है तेल का दोबारा इस्तेमाल करना। भारतीय घरों में तेल के दोबारा इस्तेमाल की आदत बेहद आम है। यह आदत सेहत के लिए खराब है। कितना भी अच्छा तेल क्यों ना हो, अगर एक बार वह इस्तेमाल आपने कर लिया तो फिर खाने योग्य नहीं बचता। इसलिए तेल के दोबारा इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। और अंतिम और 10वीं आदत है खाने के बाद टहलना। आम भारतीय घरों में खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पर लोगों के जाने की आदत है। डॉक्टरों के मुताबिक कोई भी एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग खाने से पहले ही करना चाहिए। खाने के 4 घंटे बाद तक ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 आदतों में से कौन सी आदत आपकी भी है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसी से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।